नमस्ते राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी सिक्स सेमेस्टर का इकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रही हूँ, उसमें कई सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। जैसे हम कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। आज उसका जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज़। ठीक है, अब कई सारी स्पीसीज़ मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं, तो इंटरेक्शन भी स्पीसीज़ का कम्युनिटी में ही होता है। अब ये इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरेक्शन एक तरीके से आप कह सकते हैं बातचीत, चीज़ों का लेन देन, शेयरिंग, ये सारी चीज़ें इंटरेक्शन के अंदर आती हैं। इसे हम बायोलॉजिकल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज़ भी कह सकते हैं, जिस भी नाम से आप जानना चाहें, इंटरेक्शन इन इकोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, कई सारे नामों से जान सकते हैं हम इसको। ये टॉपिक आपका इसमें भी आपके जूलॉजी पेपर सेकंड में और बॉटनी पेपर सेकंड दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो क्या होता है डेफिनेशन, आप थोड़ा सा समझिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करें तो इन इकोलॉजी ए बायोलॉजिकल इंटरेक्शन इज द इफेक्ट दैट अ पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी हैव ऑन ईच अदर। ठीक है, जैसे एक कम्युनिटी है उसमें पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन शो करते हैं। चाहे वो फूड के लिए हो सकता है, ठीक है, फूड के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो करें, या ये शेल्टर के लिए, ठीक है, शेल्टर मीन्स होम के लिए अपने, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इंटरेक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इकोलॉजी में जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे, एक दूसरे से बातचीत, किसी भी चीज़ के लिए एक दूसरे से क्या करना, अपना बिहेवियर अच्छा करना या बुरा करना, जिस तरीके का भी हो सके। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन आप पढ़ते हैं ये दो तरीके का इंटरेक्शन आप पढ़ेंगे, एक होगा पॉजिटिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन, और दूसरा होगा नेगेटिव इंटरेक्शन। अब इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन क्यों कह रहे हैं, ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंटरेक्शन आपका होता है, पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें अच्छी, सकारात्मक होना, अच्छी होना, या लोग आपको भी कहते हैं आप अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखिए, तो पॉजिटिविटी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ अगर दो स्पीसीज़, स्पीसीज़ वन एंड स्पीसीज सेकेंड, एक दूसरे से अगर इंटरेक्शन कर रही हैं तो इनको क्या होगा, पॉजिटिव यानी कि बेनिफिट होगा, आप यहाँ लिख सकते हैं बेनिफिट होगा। ठीक है, ये बेनिफिट इन दोनों स्पीसीज को हो सकता है, इस तरीके का इंटरेक्शन होगा, या किसी एक को होगा, दूसरे को बिल्कुल कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, इसको भी मैं आगे और डिटेल में बताऊंगी। या नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, नेगेटिव इंटरेक्शन का मतलब होता है हार्म, इसमें क्या होगा, या तो दोनों स्पीसीज़ को हार्म होगा या किसी एक स्पीसीज़ को हार्म होगा, इस तरीके के इंटरेक्शन को हम नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं। तो आप अगर अपने इन्वायरमेंट में भी देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, और वो इंटरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम्पल, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल उठा के वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिटेल में जानेंगे इसको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी में इंटरेक्शन दो तरीके का हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या, जहाँ इंटरेक्शन होगा ही नहीं। अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटरेक्शन की, ठीक है, पॉजिटिव इंटरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये दो टाइप का हो सकता है। एक आपका, इसको मत देखिए पहले, आप यहाँ आइए, ऑब्लिगेटिव, दूसरा हो सकता है फैकल्टेटिव। हमारे इन्वायरमेंट में ऑब्लिगेटिव का मतलब होता है, ऑब्लिगेटिव का मतलब ये होता है कि अगर दो चीज़ें आपस में मिलेंगी तभी ये कोई काम कर पाएंगी, वरना नहीं कर पाएंगी। अगर इसमें से एक भी एक चीज़ चली गई तो ये दूसरी किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन, ठीक है, इन्वायरमेंट में अगर लाइकेन बनेगा तो इसका मतलब वहाँ एल्गी प्लस फंजाई दोनों प्रेजेंट हैं। अगर एल्गी नहीं है, सिर्फ फंजाई है, तो लाइकेन नहीं बनेगा। अगर सिर्फ फंजाई है, एल्गी नहीं है, तो लाइकेन नहीं बनेगा। इस तरीके के इंटरेक्शन को कहते हैं ऑब्लिगेट इंटरेक्शन। जैसा कि आप सबने मूवीज़ में देखा होगा कि क्या होता है कि अगर एक नाग और नागिन का जोड़ा होता है तो एक इसमें से अगर मर जाता है तो दूसरा भी कुछ दिन अपने आप मर जाता है। मतलब बिना इसके इसकी लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर नहीं है। इस तरीके का जो इंटरेक्शन होता है, इस तरीके का जो बॉन्ड होता है, उसे हम ऑब्लिगेटिव कहते हैं। और फैकल्टेटिव होता है कि मतलब
अगर दो स्पीसीज इंटरैक्ट कर रही हैं, अगर मान लीजिए एक प्रेजेंट है तो भी ठीक है, और अगर ये नहीं है तो ये अकेले भी अपना काम कर लेता है। और इस तरीके के इंटरैक्शन को हम एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटरैक्शन हमारा तीन तरीके का आप लेकर चलेंगे। पहला होता है म्यूचुअलिज्म, दूसरा होता है कॉमन सेलिज्म, और तीसरा होता है प्रोटो कोऑपरेशन। आप चाहें तो इसको नोट्स बनाते चले साथ साथ। अगर मैं म्यूचुअलिज्म की बात करूं, पहली बात तीन साइन आप समझ लीजिए कि हम बेनिफिट को, ठीक है, पॉजिटिव इंटरैक्शन में बेनिफिट हो रहा है तो बेनिफिट को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस साइन से। अगर किसी स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है तो उसको प्लस साइन से, अगर उसको हार्म हो रहा है तो नेगेटिव साइन से, अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो जीरो साइन से। ये तीन साइन आपके यूज़ किए जाते हैं इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। पॉजिटिव इंटरैक्शन मीन्स बेनिफिट हुआ तो पॉजिटिव, अगर उसको हार्म हुआ तो नेगेटिव, और कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा तो ज़ीरो। म्यूचुअलिज्म की बात करें तो ये कैसा इंटरेक्शन है, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों को बेनिफिट होगा। कॉमन सेलिज्म की बात करें तो ये पॉजिटिव और जीरो है, एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को कोई हार्म नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम नेगेटिव इंटरेक्शन की तरफ। तो नेगेटिव इंटरेक्शन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। नेगेटिव इंटरेक्शन चार तरीके का होता है, पैरासिटिज्म, प्रिडेशन, कॉम्पटिशन, कमनसेलिज्म। अब कॉम्पटिशन की अगर हम बात करें तो दो टर्म आप देख रहे होंगे, एक है इंटर, दोनों में बस इतना ही अंतर है, एक है इंटर स्पेसिफिक, दूसरा है इंट्रा स्पेसिफिक। इसके डिफरेंस को समझ लीजिए, आप हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे। इंटर स्पेसिफिक का मतलब है कि अगर कोई डॉग है और कैट है, इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा, बातचीत हो रही है, तो इसे हम कहेंगे इंटर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, दो भिन्न भिन्न लोगों में, ठीक है। और इंट्रा का मतलब होता है सेम स्पीसीज के बीच में, लाइक डॉग और डॉग के बीच में, ठीक है, ह्यूमंस के बीच में जब सेम रहेंगे तो उसे हम कहेंगे इंट्रा। इस टर्म को आप समझिए। तो पैरासिटिज्म जो है, पैरासाइट आप सबकी बॉडी पे पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमनस पेडिकुलस, जुआ जिसे आप कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपका लीवर फ्लूक वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। प्रिडेशन का मतलब क्या होता है, प्रिडेटर होता है एक, लाइक शेर है, वो किस पे प्रे करेगा, लाइक डियर पे, आपके डियर, हिरन जिसको कहते हैं, हॉक हो गया, हॉक मीन्स बाज जिसे कहते हैं, वो किस पे प्रे करेगा, वो आपके माउस वगैरह पे प्रे करेगा, ठीक है। उसी तरीके से कंपटीशन होता है, कंपटीशन दो स्पीसीज में एक जगह पे रहने के लिए, कंपटीशन दो लोगों में किसी एग्ज़ाम को लेकर, इसी तरीके से स्पीसीज में होता है। और ये कॉम्पटिशन जो है दो लोगों के बीच में हो सकता है, दो सेम लोगों के बीच में हो सकता है, या दो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में हो सकता है। एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म भी आप पढ़ेंगे, जहां एक को नेगेटिव इफेक्ट होता है, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे बढ़िए, न्यूट्रल इंटरेक्शन तो आप जान रहे हैं। न्यूट्रलिज्म की बात करें तो न्यूट्रलिज्म का मतलब ये होता है कि किसी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। कॉम्पटिशन का मतलब होता है नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है, ए एंड बी कम्पीट, जो एक कोई एक स्पीसीज है इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी स्पीसीज है इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों एक एक रिसोर्स के लिए, ये कोई चीज़ है इसके लिए ये दोनों लड़ रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आपकी रेसलिंग होती है या बॉक्सिंग होती है, तो जब वो दोनों कम्पीट करते हैं, ठीक है, जीत एक की ही होती है, वो अलग की बात है, लेकिन चोट दोनों को लगती है, ठीक, यहाँ से आप समझ सकते हैं। पैरासिटिज्म का मतलब होता है एक को पॉजिटिव इफेक्ट होगा एक स्पीसीज को, दूसरे को नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। पैरासाइट यानी कि जैसे लायन अगर हिरन को खा रहा है, तो लायन का तो पेट भर रहा है लेकिन हिरन की डेथ हो जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक को बेनिफिट होगा लेकिन जो प्रे रहेगा उसको लॉस होगा, या होस्ट जो रहेगा उसको लॉस होगा। म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव पॉजिटिव का है, यहाँ पे दोनों स्पीसीज क्या होंगी, अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगी। जैसे आप लोग रूममेट्स हैं, दो लोग, आप कोई, आप में से कोई भी बाहर रह के पढ़ रहा है, आप दोनों रूममेट्स हैं, ठीक है, तो आप अपने रूममेट से बोल दीजिए कि तुम खाना बना दो, मैं बर्तन धुलने का काम कर दूँ, तो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली बेनिफिट ले रहे हैं, तो कि वो खाना बना दे रही है, आप बर्तन धुल दे रहे हैं और काम कर दे रहे हैं, तो दोनों का टाइम भी बच जा रहा है, दोनों बेनिफिटेड हो रहे हैं, ठीक है। कॉमन सेलिज्म की बात करें तो कॉमन सेलिज्म में क्या होता है, एक को पॉजिटिव इफेक्ट होता है लेकिन दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर वही एमेंसेलिज्म की बात करें तो आपकी डायरेक्ट इसी को क्या करता है, स्टेटमेंट बना के दे देगा और पूछेगा ये कौन सा इंटरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने दिमाग में हमेशा क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए, ताकि आप
आपको आसानी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। एवेंस एलिसन की बात करते हैं तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का रिलेशन होता है, एक बेनिफिटेड होगा दूसरा अनएफेक्टेड रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रिडेशन की बात करें तो एक को पॉजिटिव इफेक्ट, जो प्रिडेटर है वो बेनिफिट होगा, प्रे क्या होगा उसको लॉस होगा। प्रोटोकॉपरेशन की बात करें दोनों को पॉजिटिव इफेक्ट होता है, बोथ गेट बेनिफिटेड, प्रोटोकॉपरेशन और कॉमन सेल म्यूचुअलिज्म वाला। स्पाइट एक फेनोमेना होती है जिसमें दोनों को नेगेटिव हार्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों स्पीसीज क्या होंगी उनको हार्म ही होगा। कैनाबेलिज्म एक कैनाबेलिज्म ये लिखा हुआ कैनिबेलिज्म, ठीक है, CANBALISM, इसमें एक को पॉजिटिव इफेक्ट और दूसरे को नेगेटिव, तो ये क्या है आपके नेगेटिव इंटरेक्शन का पार्ट है। एक एक करके पढ़ते हैं हम, ये मैं इसको आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ, ये अच्छा खासा एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। जैसे कंपटीशन की बात करें, लायन और हाइना एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो रिगार्डलेस ऑफ विनर वो दोनों अपनी एक क्या कर रहे हैं, जैसे एक कोई लायन है और एक कोई जैसे रेसलर का मैंने एग्जाम्पल दिया, दोनों लड़ रहे हैं लेकिन विनर तो कोई एक ही होगा, ये बात इसको आप छोड़ दीजिए, एनर्जी दोनों की खर्च हो रही है, तो इस तरीके के इंटरेक्शन को नेगेटिव इंटरेक्शन कहेंगे। म्यूचुअलिज्म की बात करें तो म्यूचुअलिज्म में आपका आता है पेंस्टेमॉन एंड बी, ये दोनों क्या करते हैं पॉलिनेशन में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रिडेशन और पैरासिटिज्म की बात करें तो फंगस जो है वाइट रोज बस पे क्या करता है ग्रो करता है, उसकी एनर्जी को ले लेता है और उसमें डिजीज कॉज कर देता है, मतलब अपना तो बेनिफिट करवा लिया फंगस लेकिन उस प्लांट में डिजीज कॉज करा दिया। कॉमेंसलिज्म की बात करें तो यहाँ ऑर्किड प्लांट क्या होता है ट्री पे ग्रो, ये कोई ट्री है इसके ऊपर ऑर्किड प्लांट इस तरीके से ग्रो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस ऑर्किड प्लांट को तो फायदा है क्योंकि ट्री इसके ऊपर ग्रो कर रहा है लेकिन ट्री को कोई फायदा नहीं है। एमेंसलिज्म की बात करें तो एमेंसलिज्म क्या होता है नेगेटिव और जीरो का, जैसे सनफ्लावर जो होता है प्लांट स्ट्रगल करता है ग्रो ऑन सेड ऑफ वॉलनट ट्री, ट्री एक्सपीरियंसेस नो इम्पैक्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द क्लोवर, ठीक है, जो सनफ्लावर है अगर उसको ट्री के छाल, आप सबको पता है कि सनफ्लावर उगता ही सन की राइज होने से, सन की रोशनी बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है, तो अगर वहाँ ट्री ले आया जाए तो क्या होगा सनफ्लावर नहीं उगेगा उसको प्रॉब्लम होगी लेकिन उस ट्री का जो क्लोवर होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, न्यूट्रलिज्म कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे टू स्पीसीज लिव इंसेक्ट टुगेदर बट बिकॉज दे यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ये कोई प्लांट है दो स्पीसीज इस पर रह रही हैं, एक यहाँ रह रही है एक यहाँ रह रही है, दोनों अलग अलग जगह रह रही हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यूट्रलिज्म की बात करते हैं तो ये कैसा रिलेशन है जहाँ पे इंटरेक्टिंग स्पीसीज जो है एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाती हैं, ये डाइवर्स इंटरेक्शन हो सकता है, मतलब कई तरीके का हो, डाइवर्स का मतलब होता है कई वैरायटी। म्यूचुअलिज्म जो है डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी काइंड ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड एंड डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी एंड ड्यूरेशन इन द इंटरेक्शन। सिम्बियोसिस भी एक टाइप का म्यूचुअलिज्म है, इसमें क्या होता है सिम्बियोसिस जो एक दूसरे के साथ रहे, सिम्बियोसिस का मतलब होता है लिविंग टुगेदर, ये पार्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म और इस टर्म को डी बैरी ने दिया था। एग्जाम्पल के लिए ए गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम बी एंड बी गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम ए। म्यूचुअलिज्म की बात करें तो ये दो तरीके का होता है ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, दोनों का मीनिंग मैंने आपको समझाया। ऑब्लिगेट का मतलब होता है इंटरेक्शन कंपल्सरी है, बिना उसके इंटरेक्शन के नहीं बनेगा, जैसे आपके एलगी एंड फंजाई बिना इसके इंटरेक्शन के नहीं बनेंगे, उसी तरीके से माइकोराइजा फंगस और रूट, हायर प्लांट के जो रूट होते हैं जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स और फंगस का जो रिलेशन है वो म्यूचुअलिज्म का है, वो एक साथ ही रहेंगे, अगर दोनों को हटा दिया गया तो उसमें से स्पीसीज की डेथ हो जाती है। फैकल्टेटिव या प्रोटोकॉपरेशन भी कहते हैं, इसमें इसेंशियल नहीं है सर्वाइवल के लिए, रहेगा तो भी काम चल जाएगा नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा। जैसे सी एनिमोन एक स्पीसीज है वो हर्मिट क्रैब पे रहती है, तो उससे क्या होता है कि जब वो उसके ऊपर रहेगी सी एनिमोन तो हर्मिट क्रैब को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है और उससे फूड ले लेती है, इस तरीके का रिलेशन ये बना के रखते हैं। म्यूचुअलिज्म नेचर के बेसिस पे तीन तरीके का हो सकता है, एक डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म जिसमें आपका पॉलिनेशन होता है डिस्पर्जन होता है, पॉलिनेशन का डिस्पर्जन मतलब क्या होता है छिड़काव फैलाव। डिफेंस के बेसिस पे म्यूचुअलिज्म हो सकता है कि तुम हमको बचाओ हम तुमको बचाएंगे। रिसोर्स के बेस पे म्यूचुअलिज्म हो सकता है रीफ फॉर्मिंग कोरल, कोरल रीफ्स जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे एकेसिया ट्री का आंट के साथ रिलेशन, आंट मीन्स चीटी। एकेसिया ट्री हैव हॉलो थॉर्न गिव सेल्टर एंड नेक्टर टू आंट व्हाइल आंट डिफेंड एकेसिया प्लांट अगेंस्ट हर्बीवोर।
एकेसिया प्लांट क्या करता है, एकेसिया एक प्लांट है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, होलोथॉर्न पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, सेल्टर प्रोवाइड करते हैं। किसको? सेल्टर और नेक्टर आपके आंट को प्रोवाइड करते हैं, चीटी को। ठीक, आप लोग बोल रहे हैं एंट बोला जाए, बट इसकी जो करेक्ट प्रोनंसिएशन है वो आंट ही है। और इसके बदले में चीटी जो है वो एकेसिया प्लांट को क्या करती है, हर्बीवोर जो प्लांट, हर्बीवोर जो एनिमल होंगे वो इसको खा लेंगे, लेकिन चीटी की रहने की वजह से नहीं खाते हैं। पॉलिनेशन, बीज जो होती है गेट नेक्टर प्लांट गेटिंग फर्टिलाइज्ड, बीज जो है नेक्टर कलेक्ट करती हैं और प्लांट का फर्टिलाइजेशन होता है, तो बी और प्लांट का। स्पाइडर क्रैब और एल्गी की बात करें तो स्पाइडर क्रैब जो है वो लिव इन सैलो एरिया ऑफ द ओशन फ्लोर एंड ग्रीनिश ब्राउन एल्गी लिव्स ऑन द क्रैब्स बैक मेकिंग देयर एनवायरनमेंट ब्लेंड एंड अननोटिसेबल टू प्रेडेटर। एल्गी गेट्स फूड प्लेस टू लिव एंड क्रैब गेट्स कैमोफ्लाज। क्रैब का क्या होता है, प्रोडक्शन हो जाता है और एल्गी को फूड मिल जाता है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन में माइकोराइजा पाया जाता है, जिसमें जो फंगल, इसमें क्या होता है, एसोसिएशन हो जाता है फंगस और ट्री के बीच में। फंगल हाइफी जो है मोबिलाइज द मिनरल फ्रॉम प्लांट माइसीलियम, हायर एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी फॉर वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, फंगस गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। इसमें क्या होता है, एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है किसके, प्लांट और ट्री के बीच में। ठीक है, प्लांट ट्री जो होता है, ट्री जो होता है वो फंगस को हेल्प कर देता है और फंगस ट्री को हेल्प कर देता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपके लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं, जितने दलहली कुल के पौधे पाए जाते हैं, जैसे आपके मटर, चना, ये सारे जो प्लांट्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया को शेल्टर मिल जाता है उसके रूट में, जो प्लांट है उसके रूट में बैक्टीरिया को घर मिल जाता है और बैक्टीरिया उसके बदले में नाइट्रोजन फिक्स करता है। रीफ फॉर्मिंग कोरल क्या होते हैं, तो कोरल रीफ्स जो होते हैं स्पेशल टाइप के ओशन फ्लोर सिस्टम है। ठीक है, फैसिनेटिंग फीचर ऑफ सैलो वाटर, रीफ बिल्डिंग कोरल्स विद फोटोसिंथेटिक एल्गी, ठीक है, जिसको जूजेंथेली कहते हैं, इन देयर टिश्यू कोरल प्रोवाइड कंपाउंड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एल्गी प्रोड्यूस ऑक्सीजन हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्टेज। तो कोरल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और एल्गी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इस तरीके से दोनों का एसोसिएशन होता है। अब आते हैं कॉमेंसलिज्म में, तो कॉमेंसलिज्म पॉजिटिव और जीरो का रिलेशन है, एक स्पीसीज जो है बेनिफिटेड होगी और दूसरी जो सेकेंड स्पीसीज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे एपीफाइट प्लांट, एपीफाइट प्लांट दे यूज अदर प्लांट फॉर ग्रोइंग एंड इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, ये किसी और प्लांट को यूज करते हैं किसके लिए, ग्रो होने के लिए और सनलाइट का एक्सपोजर में अच्छे से ग्रो करते हैं। एपीफाइट प्लांट का मतलब जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ के जाते हैं और इस प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं होता है। डिस्पर्जल ऑफ सीड, सीड डिस्पर्जल, सीड आर ट्रांसपोर्टेड टू न्यू जर्मिनेशन साइट इन द फर ऑफ द मैमल्स, सीड गेट बेनिफिटेड बट मैमल्स अनइफेक्टेड। मैमल्स जैसे कि आपके कई सारे मैमल्स आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो मैमल्स, उनके ऊपर सीड आके गिर गया, ठीक है, और वो चलेंगे तो वो सीड जाके कहीं गिर जाएगा और प्लांट निकल जाएगा, उससे मैमल को तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन सीड का क्या होगा, डिस्पर्जल हो गया। जीब्रा एंड ईगरेट, जीब्रा एंड ईगरेट, जीब्रा स्टिर अप इंसेक्ट फूड एंड ईगरेट गेट बेनिफिटेड्स। जीब्रा जो होता है वो क्या करेगा, खोद देता है अपने इंसेक्ट्स को, तो जिससे कि ईगरेट्स को फूड मिल जाता है। सार्क एंड रिमोरा फिश, सार्क जो है प्रोवाइड फूड स्कार्प्स ट्रांसपोर्ट एंड हैंस रिमोरा गेट बेनिफिट्स। सार्क जो है, सार्क के ऊपर रिमोरा फिशेस ऐसे चिपक जाती हैं, ठीक है, तो सार्क जो फूड खाता है उससे जो बच जाता है उसे रिमोरा फिशेस ले लेती हैं। वेल्स एंड बैरनिकल्स, वेल्स जो सबसे बड़ी मछली होती है उसके ऊपर बहुत सारे बैरनिकल्स इस तरीके से चिपके रहते हैं, तो वो शेल्टर ले लेते हैं, वेल को कोई फायदा नहीं होता। सी एनिमोन और क्लोन फिश तो मैंने बताया ही। एमेंसलिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, हार्म होगा, एक ऑर्गेनिज्म को हार्म होगा, दूसरा अनअफेक्टेड रहेगा। एग्जाम्पल के लिए एलिफेंट जो है चलता है, ठीक है, तो उसके नीचे कई सारे क्या होते हैं, लीव बसेज ट्रीज आ जाती हैं और वो उसको कुचल देता है, ठीक है, तो क्या हुआ, वो ट्री को तो नुकसान हो गया लेकिन आंट जो आपका एलिफेंट है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। ब्लैक वॉलनट ट्री सीक्रेट केमिकल फ्रॉम इट्स रूट विच हार्म द नियर बाई नेबरिंग प्लांट्स। एक ब्लैक वॉलनट ट्रीज होती हैं, वो अपने रूट से क्या करेंगी, कुछ ऐसा केमिकल सिक्रीट करती हैं जो आसपास के पौधों को इफेक्ट करता है। अब इस ट्री पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ लेकिन आसपास की स्पीसीज को नुकसान हो जाता है। एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम या यूट्रोफिकेशन जो होता है,
lead to death of many fishes of the fish and other animals. However, the algae do not benefit from the death of the these individual. ठीक, इसमें क्या हो रहा है, जो आपके तालाब होते हैं या रिवर्स वगैरह होते हैं उनमें एल्गल ब्लूम्स, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जब डेथ होता है तो एल्गल ब्लूम्स या यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस जिसको कहते हैं वो जम जाता है, उसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जाती है, लेकिन एल्गी को कोई उससे बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, जीरो और नेगेटिव का रिलेशन हो गया। एलीलोपैथी एक जो होता है टर्म होता है जो कि डिफरेंट होता है आपके एमेंसलिज्म से, काम एमेंसलिज्म की ही तरह करेगा, नेगेटिव और जीरो वाला रिलेशन, लेकिन वो उससे डिफरेंट होता है। ये एक टाइप का बायोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है एक या एक से ज़्यादा बायोकेमिकल रिलीज करता है जो ग्रोथ, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। दे हैव बोथ पॉजिटिव इफेक्ट, ये बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है, और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होता है। इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होंगे या प्लांट होंगे उन्हें एलीलोपैथिक प्लांट कहा जाएगा। इनमें दोनों तरीके के क्या होते हैं आपके इंटरेक्शन होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। और एलीलोपैथी का एग्जांपल मैंने एक जगह और दिया था, अगर आपको याद हो टाइप टू जब मैं पढ़ा रही थी सर्वाइवरशिप कर्व आपको, तब वहाँ पे भी मैंने एलीलोपैथी का एग्जांपल दिया था। पैरासिटिज्म की अगर हम बात करें तो पैरासाइट में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे पर फीड करती है बट डज नॉट नॉर्मली किल, उसको मारती नहीं है। पैरासाइट और प्रे का रिलेशन होता है, इस प्रे को होस्ट भी कहते हैं, पैरासाइट को बेनिफिट होता है लेकिन होस्ट को हार्म हो जाता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन हेड और लाइस, हमारे सर में जुओं का पाया जाना, तो जुओं हमारे सर से ब्लड लेते हैं, हमको कोई बेनिफिट नहीं होता, हार्म ही होता है। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, इसको तो पॉजिटिव ब्लड मिल रहा है, हमको नेगेटिव। टेप वर्म हमारे बॉडी में पाया जाता है, तो टेप वर्म बेनिफिट होता है लेकिन हमारे एलिमेंट्री कैनाल को क्या होता है, उससे इफेक्ट पड़ता है। फिश पैरासाइट द आइसोपॉड साइमोथा एक्सीगुआ रिप्लेसिंग द टंग ऑफ द लिगोनगनाथस, तो फिश पैरासाइट जो होती है तो पॉजिटिविटी उससे क्या हो रहा है, बेनिफिट ले रहा है, लेकिन इसको क्या हो जाए बेचारे को, ये नेगेटिविटी में आ जा रहा है। टिक एंड लीचेस, टिक्स एंड लीचेस ड्रॉप ऑफ देयर होस्ट, ठीक है, टिक्स जिस पे पाए जाएंगे टिक तो अपना ब्लड बेनिफिट ले लेगा लेकिन जिस पे पाया जाएगा उसको नेगेटिव इफेक्ट। उसी तरीके से लीच अगर आ जाती है तो ब्लड सक कर लेती है, पॉजिटिव इसका फूड मिल गया हमें, नेगेटिव इफेक्ट होता है। पैरासिटॉइड ये डिफरेंट होता है पैरासाइट से, टर्म डिफरेंट है पैरासाइट और पैरासिटॉइड। यहाँ क्या होता है, इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इट्स इंटायर लाइफ अटैच्ड टू और विद इन अ सिंगल होस्ट, ये पूरी लाइफ अपनी एक सिंगल होस्ट के अंदर, सिंगल होस्ट मतलब उनका होस्ट वही रहेगा, अगर वो होस्ट नहीं है तो ये भी नहीं पाया जाएंगे। ठीक है, रिलेप्टी ये अपने होस्ट से बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे, जिसके ऊपर रहेंगे उससे काफ़ी बड़े होते हैं। हर्बीवोरी एक टर्म होता है, ये क्या होता है, हर्बीवोरी का मतलब होता है प्रिडेशन ऑफ प्लांट और एल्गी। बेसिकली हर्बीवोरी का मतलब ही हो गया कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स और एल्गी भी आपका फोटोसिंथेसिस करता है तो उनके ऊपर ये इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट वर्टिब्रेट स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे डियर, गोट, सीप, काऊ, ये सारे क्या करते हैं, प्लांट पे फीड करते हैं। इन एडिशन देयर आर ओवर 360,000 स्पीसीज ऑफ हर्बीवोर इंसेक्ट, प्राइमरी इंसेक्ट बीटल, बटरफ्लाईज, मॉथ, ये सकिंग बग, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, बीटल्स और ग्रास होपर और ये सारे जो होते हैं, कैटरपिलर्स वगैरह, ठीक, ये सारे बहुत सारी पार्ट पे फीड करते हैं। जैसे हर्बीवोरी कैन बी लीथल टू प्लांट, जैसे ये प्लांट के लिए लीथल हो सकता है, मतलब नुकसानदायक। जैसे हर्बीवोर की बात करें तो बार्क फीडर होते हैं, कुछ बार्क पे प्लांट की फीड करते हैं, कुछ सैप पे, कुछ फ्लावर पे, कुछ गॉल मेकर पे, कुछ सीड पे, कुछ लीफ पे, कुछ नेक्टर पे फीड करते हैं। तो अगर इतनी ज़्यादा फीडिंग हो जाएगी तो क्या होगा, प्लांट को क्या होता है, इससे हार्म होता है, मतलब प्लांट नेगेटिव इफेक्ट में जा रहा है और जो इसको खा रहा है उसको बेनिफिट मिल रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। मोनोफेगस एक टर्म होता है विच यूजली इंसेक्ट फीड ऑन वन स्पीसीज और फ्यू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। मोनो का मतलब ही होता है एक और पॉली का मतलब होता है मेनी, सिर्फ एक स्पीसीज पे या बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज पे फीड करेगा, ये कई सारे स्पीसीज पे फीड करता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ मोनोफेगस की, तो पांडा जो होता है वो मोनोफेगस है, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज लिखा हुआ है। पांडा आपका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बैम्बू ट्री पे फीड करता है। उसी तरीके से कुआला एक स्पीसीज होता है, KOALA, कोआला सिर्फ और सिर्फ यूकेलिप्टस ट्री पे फीड करता है। ठीक है, उसी तरीके उसके बाद देखा जाए तो ग्रास हॉपर्स जो होते हैं वो पॉलीफेगस होते हैं, किसी भी ग्रास पे फीड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको
इंटरेक्शन जो है स्पीसीज का वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं या आपके लॉन्ग टाइप में भी पूछ सकता है। तो होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहा होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।